जय हिंद दोस्तों, भारत आईटीआई जॉब रोजगार अड्डा भारत का सर्वश्रेष्ठ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जॉब अपडेट चैनल में आप सभी भाइयों बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं एक नया सेशन में। भारत सरकार की जो टॉप 4-5 वैकेंसी जो निकल के लगभग बहुत वैकेंसी तो बहुत सारा डिपार्टमेंट से आई, लेकिन मैं चार ही विभाग को मैं बताऊँगा आज कौन कौन वैकेंसी सिर्फ आईटीआई वाले के लिए वैकेंसी निकल के आई है। टोटल पोस्ट ना 500 प्लस में है, तो मैं हर चीज़ डिटेल में बताऊंगा, एज सैलरी सिलेबस सब चीज़ में लगभग सब चीज़ में बता दूंगा। बस पेशेंस के साथ आपका काम है, बस वीडियो को वॉच करना और समझना कि भाई कौन कौन विभाग से आ चुकी है वैकेंसी। ओके, उसके बाद से मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा फिर डिप्लोमा वाले के लिए, बीटेक वाले के लिए। ओके, ये सेशन स्पेशलिस्ट आईटीआई स्टूडेंट के लिए बन रहा है और आईटीआई स्टूडेंट ध्यानपूर्वक हर बात को सुनिएगा और मैं सबका अप्लाई लिंक मैं दे दूंगा। हालांकि मैं सब पे वीडियो बना चुका हूं तो मैं आपको अवेलेबल भी करवा दूंगा और आप जाकर वीडियो के नीचे जाकर सबका टॉपिक्स वाइज लिखा गया आप उसमें जाकर विजिट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको अप्लाई लिंक नोटिफिकेशन सब चीज़ मैं अवेलेबल कर दिया हूँ। ओके, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं एक एक करके। ओके, सब में जो आप लोग का पोस्ट रहेगा, सीनियर टेक्नीशियन रहेगा, आप लोग का जूनियर टेक्नीशियन रहेगा, ठीक है, लेबोरेटरी अटेंडेंट रहेगा, सबका सैलरी आप लोग का 30-35 आप लोग का यही रहने वाला, लेवल 2 लेवल 1 किसी में आप लोग का रहना है। टोटल जो भी मैं बताऊंगा सब भारत सरकार की भर्ती निकल के आई है और ये लेटेस्ट है, मतलब 4 दिन 5 दिन 6 दिन पहले ये वैकेंसी सब चीज़ आई हुई है, 10 दिन पहले मतलब ये वैकेंसी आई हुई है, आप अप्लाई भी अभी भी कर सकते हो। ओके, चलिए बात करते हैं उस टॉपिक पे जिस टॉपिक पे हमें बात करने की ज़रूरत है, जिस टॉपिक के लिए हम लोग यहाँ पे वीडियो वॉच कर रहे हैं। ओके, देखो मैं ना आप लोग के लिए जो वीडियो बना रहा हूँ स्पेशलिस्ट बना रहा हूँ तो आप लोग को हर चीज़ में बताऊँगा, ठीक है, बस पेशेंस के साथ पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, समझिएगा, मैं हर चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ, सब चीज़ मैं दिखाऊंगा भी। अब देखिए जो वैकेंसी निकल के आई है एनटीपीसी की ओर, सबसे पहले मैं एनटीपीसी पे बात करूँगा। एनटीपीसी की वैकेंसी निकल के आई जो कि भारत सरकार की भर्ती है, ठीक है, भारत सरकार की भर्ती है और आप लोग को सैलरी इसमें अच्छा खासा आप लोग को मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन आप लोग को मिलेगा सैलरी। देखिए यहाँ पर आप लोग का एनटीपीसी, मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, ऑनलाइन आप लोग का 20/7 से आप लोग का स्टार्टिंग होगा और क्लोजिंग आप लोग का 12/8/2023 रखा गया। ओके, अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर आप लोग का आवेदन शुल्क SC/ST को निःशुल्क है और जो भी कैंडिडेट है जैसे कि आते हैं जैसे कि OBC से आते हैं उनको पैसा कुछ ना कुछ लगेगा। अधिकतम सीमा आप लोग का यहाँ पे दिया गया 32, UR के लिए ये 32 है, अदरवाइज देखो सेशन ये बहुत बड़ा रहने वाला है, मैं पहले ही आप लोग बता देता हूँ कि सेशन बहुत बड़ा रहने वाला है क्योंकि बहुत सारा डिपार्टमेंट को हमें बताना है तो सेशन बड़ा रहेगा। अगर आपके आपके अंदर पेशेंस है तो भी तभी जाकर आप वीडियो वॉच कर पाइएगा या फिर आप अचीव कर पाइएगा जो चीज़ को आप चाहते हैं, शिद्दत से चाहते हैं उसको। ओके, अब देखो यहाँ पे NTPC की जो वैकेंसी निकल के आई है, यहाँ पे मैं हर चीज़ बताऊँगा, मैं थोड़ा इंग्लिश कर दिया हूँ। अब देखो यहाँ पे आप लोग का जो NTPC लिमिटेड ITI ट्रेनिंग, ओके, ITI ट्रेनिंग यहाँ पर देखो बताया गया है कि आप लोग का 21,500 आप लोग को स्टार्टिंग में दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस समझ लो, यहाँ पर बताया गया कि आप लोग का 2 घंटा टाइम रहेगा, 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि आप लोग का 120 क्वेश्चन रहेगा टोटल, 2 घंटा टाइम मिलेगा, मतलब कि 120 क्वेश्चन 120 आप लोग का मिनट भी रहेगा। 70 आप लोग का देखो यहाँ पर Part 1 विल बी द, यहाँ पर नॉलेज टेस्ट विल बी द कंसिस्ट, मतलब मल्टीपल चॉइस आपको क्वेश्चन जो रहेगा रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, मतलब आपका ट्रेड से क्वेश्चन पूछा। Part 2 में आप लोग का 50 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ओके, तो 7, 5, 12 हो गया, मतलब 120 ये हो गया, 120 ये हो गया, मतलब 120 क्वेश्चन 120 मिनट और 0.25 का निगेटिव मार्किंग ये रखा गया है, ध्यान रखना। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बताया क्वालिफिकेशन से, यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्वालिफिकेशन नोटिफिकेशन में मैं डाउनलोड करके मैं आप लोग को दिखा दूँगा, टेंशन ना लो आप लोग। अब देखो ITI फिटर ट्रेनिंग, 10th पास हो, फुल टाइम रेगुलर बेसिस पे ITI की हो, आप एलिजिबल फॉर्म को भरने, ITI इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से हो या मशीनिस्ट ट्रेनिंग से हो तो आप एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पे लिखा गया, साफ साफ इसको पढ़ भी सकते हो। टोटल वैकेंसी आप लोग का 2 है SC/ST के लिए। अब देखो यहाँ पे अब मैं डाउनलोड कर लेता हूँ नोटिफिकेशन को। ओके, थोड़ा सा ये टाइम लेता है खुलने में। अब देखो यहाँ पर आप लोग का पूरा यहाँ पे आ गया, पूरा ब्यौरा आ गया यहाँ पे। ओके, कहाँ कहाँ कितना सीट आया लिखला हुआ है वो चीज़ है यहाँ पर देख लो। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाले के लिए, CL वाले के, मैकेनिकल वाले के, इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाले के लिए, ये आप लोग का जहाँ जहाँ से ये वैकेंसी प्रोजेक्ट है वहाँ से आप लोग का यहाँ पे बताया गया आप लोग का ये रहने वाला है। ओके, तो मैं ITI वाले के बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे ITI के लिए देखिए यहाँ पे बताया गया, फिटर वाले के लिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे आप लोग का ये है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ओके, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर देख लेना आप लोग। अब देखो यहाँ पे बोला गया ITI फीडर ट्रेनिंग, यहाँ पे ST में SC में यहाँ पर देखो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया। उसके बाद से डिप्लोमा वाले के लिए बताया गया टर्म एंड कंडीशन क्या क्या है। उसके बाद से देखो ITI वाले के लिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस है और यहाँ पैसा के बात किया गया। ओके, स्टार्टिंग में आप लोग का सैलरी
कम दिया जाएगा। ओके, जब आप लोग का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, देखो यहाँ पर बताएगा, ट्रेनिंग आप लोग का जब कंप्लीट हो जाएगा तब जाकर आप लोग का इंक्रीमेंट सबसे जुड़ेगा। ओके, यहाँ पर बताएगा बेसिक का 3% आप लोग का द फंड प्रोसेस, यहाँ पर प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी द अलॉटेड एफर्ट सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग। ओके, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपका सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब सैलरी आप लोग का बढ़ जाएगा। ओके, डिप्लोमा ट्रेनिंग वाले के यहाँ पे स्टेज 1 स्टेज 2 बताया गया, यहाँ पे आप लोग का आईटीआर ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे बताया गया। ओके, स्किल टेस्ट जो होगा यहाँ पे बताया गया, जो सेंटर आप लोग का बनाया गया रायपुर, भोपाल, इंदौर और यहाँ पे ग्वालियर, यहीं पे आप लोग का एग्जाम सिटी बनाया गया। ओके, यहाँ पे सब चीज़ यहाँ पे लिखा गया, देखो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ना आपका सैलरी ये बनेगा 25,000 प्लस GST, ये सब चीज़ आप लोग का सब चीज़ ऐड क्या क्या होगा, ये सब चीज़ यहाँ पर बताया गया, आप लोग इसको रीड कर लेना एक बार, ठीक है। लहरेड आप लोग का 12/8/2023 रखा गया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं हम। देखो दूसरा आप लोग का जो वैकेंसी निकल के आया बैंक नोट प्रेस देवास, ठीक है, ये आप लोग का यहाँ से वैकेंसी निकल के आई है, जो कि जूनियर टेक्नीशियन आप लोग का पोस्ट रहने वाला, टोटल सीट आप लोग का ये है, ठीक ना, 95 पोस्ट पर वैकेंसी आउट हुई है, फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, सिलेक्शन प्रोसेस सब चीज़ मैं बताता हूँ। अब देखो इंपॉर्टेंट डेट 22/7/2023 से आप लोग का स्टार्टिंग है और लास्ट डेट आप लोग का 21/8/2023 रखा गया। टेंटेटिव डेट ऑनलाइन CBT एग्जामिनेशन सितंबर से अक्टूबर के बीच में आप लोग का सेकेंड वीक, फर्स्ट वीक में, थर्ड वीक में आप लोग का एग्जाम ले लिया जाएगा। अब देखो एप्लीकेशन फी आप लोग को, हाँ NTPC में ना आप लोग का चार्ज रखा गया लगभग में 400-350 यही रखा गया, ध्यान मैंने दिया हूँ तो वहाँ पर आप लोग देख लेना, ठीक है। अब देखो एप्लीकेशन फी आप लोग को 600 रुपया लगेगा, जो भी कैंडिडेट UR से बिलोंग करता है, EWS से बिलोंग करता है या OBC से बिलोंग 600, ST PWD कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो 200 रुपया आपको चार्ज देना होगा। एज लिमिट की बात किया गया तो आप लोग का मिनिमम 18 मैक्सिमम 25 है, ये UR के लिए, अदरवाइज जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करता है आपको उसी कैटेगरी में छूट आपको मिलना है, ठीक है, मिल जाएगा आप लोगों को। अब देखो बैंक नोट प्रेस में आप लोग का जो देवास वाला निकला हुआ है तो यहाँ पर टेक्नीशियन सैलरी पे स्केल आप लोग का 18,780 रुपये आप लोग का ये बेसिक रहेगा, मतलब ये बेसिक से लेकर मतलब आप लोग का ये रहेगा 67,390 रुपये आप लोग का बेसिक रहेगा, मतलब इससे तो लेके चलो कि आप लोग का 32,000 आप लोग का सब चीज़ TA DA HR बहुत सारे लम्स में जब ऐड होगा तो आप लोग का हो जाएगा 30% जाएगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस देखो, यहाँ पे बैंक नोट प्रेस जो आप लोग का टेक्नीशियन सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ पे आप लोग का CBT एग्जाम होगा। ओके, यहाँ पर देख लेना आप लोग, क्वालिफिकेशंस बोला गया फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द NCVT या SCVT डज नॉट मैटर, SCVT से हो NCVT से हो आप एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए। सीट की संख्या यहाँ पर बताया गया, पूरा टोटल आप लोग का सीट जो है आप लोग का यहाँ पे 95 सीट है, यहाँ पे आप लोग का 111 सीट आप लोग का ये है और यहाँ पे आप लोग का देख सकते हैं 111 सीट आपका टोटल ये है, ठीक है, ये टोटल मिला के ITI डिप्लोमा BBTEC वाला सबको जोड़ दिया है। यहाँ पे नोटिफिकेशन हम डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से टच करके, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, देखो देखो ये डाउनलोड हुआ। यहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली आ जाना है क्योंकि मैं ITI पे बात करूँगा तो ITI पे ही डायरेक्ट चलता हूँ। देखो जूनियर टेक्नीशियन आप लोग का सिविल इलेक्ट्रिकल, ये जो आप लोग का देख रहे हैं ना ये सब आप ही लोग का है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देख लेना आप सैलरी देख लेना यहाँ पे, और यहाँ पे एज आप लोग का 18 से 25 तो मैं बता ही दिया हूँ। उसके बाद से मेन चीज़ पर चलते हैं, हम लोग बात करते हैं कि आप लोग का क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया। देखो यहाँ पे जब भी वैकेंसी आउट होती है तो यहाँ पे सुपरवाइजर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट, ये सब पर वैकेंसी आउट, ऐसे कि जूनियर टेक्नीशियन आप लोग को इस पे ध्यान देना, यहाँ पे ITI वाला यहाँ पे जो आप लोग का वैकेंसी है फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज फ्रॉम NCVT SCVT यहाँ पे इन यहाँ पे प्रिंटिंग ट्रेड, ठीक ना, यहाँ पे आप लोग का ऑफसेट मैकेनिक माइंड लेटर प्रेस मैकेनिक्स माइंडर ऑफसेट प्रिंटिंग या प्लेट मेकिंग्स इलेक्ट्रो प्लेटिंग फुल टाइम ITI प्लेट मार्क प्लेट मेकर कंप इम्पोर्टेस्टर हैंड कंपलिंग, ये सब जब भी वैकेंसी आउट होती है ना यही सब ट्रेड मांगा जाता है। ओके, तो यहाँ पे अगर डिप्लोमा भी है तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से आओगे तो नीचे में आओगे तो जूनियर टेक्नीशियन से कंट्रोलर के लिए, तो यहाँ पर भी फुल टाइम ITI मांगा गया, NCVT SCVT, लेकिन सब ट्रेड वही है। यहाँ पर देखोगे ना तो माइंडर सेट, यहाँ पर प्रिंटिंग प्लेट मेकर इलेक्ट्रो प्रिंटिंग फुल टाइम ITI प्लेट मेकर कंप ऑपरेट साइट हैंड कपलिंग, ये सब चीज़ यहाँ पर भी लिखा गया, आप लोग इसको पढ़ भी सकते हो। ये टोटल आप लोग का हाई सीट है, यहाँ पर रिजर्व है, यहाँ पे सिर्फ ITI बंदा ही धावा यहाँ पे झंडा गाड़ेगा। यहाँ पे देखो जूनियर टेक्नीशियन के लिए, मैकेनिक्स के लिए, एयर कंडीशन वाले, यहाँ पे देखो फुल टाइम ITI एयर कंडीशन से किए हैं, फिटर से किए हैं, आप एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए डिप्लोमा भी किए हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो यहाँ पर भी आपका ही है दबदबा, यहाँ पर देख लो ITI NCVT से हो SCVT से डज नॉट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। जूनियर टेक्नीशियन सिविल में भी आप लोग, अब यहाँ पर देखो सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग समझ लो, यहाँ पर आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला। ओके, देखो सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग का यही रहने वाला ऑल ओवर आप लोग का, मैं दिखाता हूँ, देखो यही है आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस,
लगभग आप लोग का यही है, जूनियर टेक्नीशियंस जो दिख रहे हैं ये आप लोग का यही है आप लोग का, जैसे कि आप लोग का 125 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नंबर टोटल क्वेश्चन है और मार्क्स आप लोग का कहाँ कहाँ से कितना, 120 मिनट आप लोग को दिया जाएगा, आप लोग का यही रहने वाला है ऑल ओवर आप लोग का सिलेबस। देख लीजिएगा यहाँ पे जैसे कि टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज आप लोग को 50 रहेगा, उसके बाद से इंग्लिश रीजनिंग देखा जी अपलोड ये सब चीज़ आप लोग का रहने वाला है। ओके वेटेज बताया गया ओबीसी एससी के लिए, ये सब चक्कर मत रहिएगा। एग्जाम सेंटर जो भी होता है यहाँ पर देख लेना अपना अपना कहाँ पर आपका नज़दीकी पड़ेगा, आंध्र प्रदेश का हैदराबाद पड़ेगा, बिहार का पटना पड़ेगा, दिल्ली के NCR पड़ेगा, गुजरात का अहमदाबाद पड़ेगा। देखो ये सब चीज़ पूरा बताएंगे ना ये सब चीज़ तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, तो आप लोग देख लेना एक बार। ठीक है चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। अब देखो एक वैकेंसी बहुत ही अच्छा खासा वैकेंसी निकल के आई है, मतलब कि भारत में बहुत ज़्यादा बहुत जगह इसका यूनिट अपना अपना संस्थान चलता है, मतलब है भारतीय यहाँ पे आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। ठीक है इसी को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बोला जाता है। रिसर्च सेंटर में यार काम करने का ना बहुत ही बेहतरीन मतलब कि सुख सुविधा मिलता है, क्योंकि रिसर्च सेंटर में हो आप तो मतलब कि सीखने को तो बहुत चीज़ मिलता ही है, प्लस में उसके बाद से आप लोग का जो जॉब होगा यहाँ पे तो आप लोग को इतना अच्छा मतलब सुख सुविधा मिलता है रहने खाने पीने का मेडिकल का ये सब चीज़ का कि मतलब मत पूछो। जैसे DRDO को हो गया, इसरो का हो गया, चाहे परमाणु विभाग में जैसे कि होता है कैटेगरी आता है उसमें भी रिसर्च सेंटर वाला बहुत सारा डिपार्टमेंट है, तो उसमें जगह जाओगे ना तो आपको अपर लेवल वाला सुख सुविधा मिलता है, क्या ही बताएं आप लोगों को। ठीक है तो यहाँ पे ना अपना अपना वो मैं इसका लिंक मैं आज वीडियो भी बनाया हूँ इसका, तो आप लोग जाकर देख लेना कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ से फॉर्म भरना चाहते हो, हैदराबाद से मुंबई वाला मतलब बहुत जगह यूनिट है इसका, अपना अपना संस्थान चलता है ऑल ओवर इंडिया में, तो वहाँ से वैकेंसी निकल के सब जगह से वैकेंसी निकल के आई है। ठीक है यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आज, यहाँ पे स्टार्टिंग आप लोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे स्टार्टिंग डेट आप लोग को बता दिया गया होगा, मैं जो बनाऊंगा उसमें तो बता दूंगा, हालांकि इसमें आप लोग का अपकमिंग दिखा रहा है लेकिन स्टार्टिंग आप लोग का एक दो दिन में हो जाएगा। यहाँ पे देख लो यहाँ पे बताया गया स्टार्टिंग डेट आप लोग का अपकमिंग नोटिफिकेशन लेटेस्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे बताया गया। उसके बाद से देखो अप्लीकेशन भी आप लोग का यहाँ पे OBC और EWS OBC वालों के लिए यहाँ पे बताया गया, मतलब 300 है, मतलब मैं दिखा दूंगा टेंशन मतलब 18-25 आप लोग का एज रहेगा मिनिमम से मैक्सिमम, PWD के लिए पैसा नहीं लगेगा। ठीक है सैलरी आप लोग का 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में आप लोग का सैलरी रहने वाला। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए यहाँ पे वैकेंसी आउट हुई है, ठीक है टेक्नीशियन पे नहीं, ठीक ना एक टेक्नीशियन वैकेंसी होता है टेक्नीशियन पे नहीं निकला गया, यहाँ पे लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए निकला गया। मैं आप लोग सब चीज़ समझा दूंगा सिलेबस वो ICMR यहाँ पर लेबोरेटरी अटेंडेंट से यहाँ पे आप लोग का CBT एग्जाम होगा, मैं आप लोग का सिलेबस सब बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग का देखिए मेन यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा, मैं आप लोग को PDF भी दिखा दूंगा, वहाँ पर भी लिखा गया यही चीज़ लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए आप लोग का यहाँ पर 10th पास हो, ठीक है 50% 10th पे में आप एलिजिबल हो, और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज बोर्ड एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस मतलब कि लेबोरेटरी अटेंडेंट में ही आप लोग कहीं काम के अप्रूव्ड रजिस्टर्ड लेबोरेटरी अटेंडेंट में तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज कोई बात नहीं है। अगर आप 10th किए हो ITI 10th के बाद ही कोई ITI करता है तो 10th के बाद अगर ITI किए हैं रिस्पेक्टिव फील्ड या और ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाई गवर्नमेंट एजेंसी तो आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के, डज नॉट मैटर कि आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, इसे कोई इसको मतलब नहीं है, बस आपके पास ITI होना चाहिए। ओके यहाँ पे नोटिफिकेशन हम डाउनलोड कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा ये खुलेगा, देखो ये खुला ये पूरा का है लिंक का, ठीक है यहाँ पे आप लोग का सब जगह से जैसे कि देखो यहाँ पे ना परमानेंट भी निकला हुआ है और कहीं कहीं निकला है टेम्प्रोरी, देखो यहाँ पे वाल के इंटरव्यू को यहाँ पे टेम्प्रोरी वाला सबका रो कॉलम बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे बताया गया, उसके बाद से यहाँ पे आप लोग का हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ से निकला, न्यू दिल्ली से मुंबई से न्यू दिल्ली से, उसके बाद से देखोगे तो यहाँ पे न्यू दिल्ली, उसके बाद से नोएडा, ठीक है उसके बाद से हैदराबाद, देखो हैदराबाद ओके यहाँ पे देखना, इसके बाद यहाँ पे देखना ओके। तो यहाँ पे मैं आप लोग का एक ठो खुल कर मैं दिखा भी देता हूँ, 14/8 आप लोग का हो सकता है लाडेड, यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो रेफरेंस नंबर, देखो यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो दे यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर लेते हैं हम आप लोग को दिखा देते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेना। अब देखो ये डाउनलोड हुआ, इसके बाद यहाँ पर सब चीज़ वही उसी सब चीज़ मतलब बताया गया भारतीय वायु मतलब आयु अनुसंधान संस्थान परिषद इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ये लोगों हुआ है, तो यहाँ पे हमको नहीं जाना, हमको डायरेक्टली आना है यहाँ पे टेक्नीशियन पे यहाँ पे, और ये आप लोग का ये देखिए ये डिप्लोमा वाले के लिए आप लोग का, और ये भी आप लोग का टेक्नीशियन 1 भी आप लोग का डिप्लोमा वाले के लिए, यहाँ पर लैब अटेंडेंट के लिए आप लोग का ये पोस्ट आप लोग का है, ठीक है टोटल सीट आप लोग का 35 सबसे ज़्यादा इसी जगह है हमको लगता है, जहाँ तक OBC में ये देखिए UBC में आप लोग का 9 है, और UR के लिए आप लोग एग्जाम देने भी आप लोग को जाना होगा बैंगलोर में ही एग्जाम देना मतलब होगा आपको। देखो ये अपना डेट आप लोग का 14/8/2023 मतलब आपको दिया गया, मतलब कि 5:30 बजे तक आप फॉर्म को भर सकते हो। मैं आप लोग डायरेक्टली अब ले चलता हूँ इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे साइट पे, ताकि मेन चीज़ पे कि मतलब कि आप लोग जान जाओ कि भैया क्या क्या मांगा गया है इसमें आप लोग के लिए। ओके यहाँ पर देखो ये बोला गया है कि आप लोग 18,000 से लेकर 56,000 मतलब कि ग्रुप सी में रहिएगा,
टेक्निकल नॉन मटेरियल में रहिएगा। ओके, यहाँ पर देखो बताया गया है, साफ साफ लिखा गया है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। 25 साल आपका लास्टली है, यूआर के लिए है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना आप लोग, ये यूआर के लिए है। दरवाजा जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं ना, आपको उसी में छूट मिल जाएगा। अब देखो टेंथ पास हो, यहाँ पर भी लिखा है टेंथ पास हो ना, टेंथ पास हो 50% टेंथ में एलिजिबल, फॉर्म को भरने के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, लैब अटेंडेंट में आप लोग का होना चाहिए। अदरवाइज अगर नहीं है तो ITI टेंथ पास हो, ITI किए हो, ठीक है, रिस्पेक्टिव ट्रेड में। यहाँ पर ट्रेड मेंशन नहीं किया गया कि इलेक्ट्रिशियन वाले ही फॉर्म भरेंगे, कारपेंटर वाले, डीजल मैकेनिक वाले, मशीनिस्ट वाले, या एयर रेफ्रिजरेशन वाले, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं बोला गया। डिजाइबल में ये सब बताया, इसको देख लेना आप लोग। ओके, जो भी स्टूडेंट भरना चाहते हैं फॉर्म को जरूर भरिएगा। हाउ टू अप्लाई कैसे करना, वो सब चीज़ यहाँ पर बताया गया, स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पर सब चीज़ बताया गया। सेशन प्रोसेस आप लोग जान जाइए मोटा मोटी। आप लोग का यहाँ पे आप लोग का ज़्यादा वेटेज रहेगा आप लोग का टेक्निकल का, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग का 40 का एवरेज में आप लोग का रहने, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, सिलेबस भी आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ना आप लोग का ऑल ओवर आप लोग का यही रहने वाला आप लोग का, जैसे कि आप लोग का 50 में आप लोग का देखो जनरल अवेयरनेस और जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज और रीजनिंग, पहले उसके बाद रीजनिंग एप्टीट्यूड, मतलब कि आप लोग का यही रहने वाला ऑल ओवर 50 में आप लोग से यही क्वेश्चन पूछेगा, यही सब पूछेगा। उसके बाद से सब्जेक्ट टेक्निकल रिलेटेड जो भी ट्रेड आप लोग का रहेगा, जैसे कि फिटर से इलेक्ट्रिशियन से हैं तो इलेक्ट्रिशियन से क्वेश्चन पूछेगा, मोटर जनरल फिटर से हैं तो गुनिया तुनिया क्या होता है, एंगल क्या होता है, फलना टिकाना आप लोग का बेंच वाइज वाइज क्या होता है, ये सब चीज़ क्वेश्चन पूछेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स से तो इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछेगा, एयर बिजनेस एयर से पूछेगा, मशीनिस्ट से मशीनिस्ट वाला पूछेगा, तो जो भी ट्रेड आपका रहेगा उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर ध्यान देना, 100 क्वेश्चन है, 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है, ये मैं आप लोग को पहले बता देता हूँ। और हाँ, 0.25 का निगेटिव मार्किंग है, 0.25 का निगेटिव मार्किंग है, मतलब 1/4 का निगेटिव मार्किंग है, तो सावधान, बी अलर्ट, ठीक है, ध्यानपूर्वक आप लोग को टच करना। देखो ICMR का ऑफिशियल वेबसाइट से मैं ये डाउनलोड किया हूँ, आप लोग को दिखा रहा हूँ, ताकि आपको लोग बोलते हो कि सर कैसे हम माने कि सर ये सिलेबस है, ठीक है, बिलीव होना चाहिए, प्लस पे आप लोग को समझाना पड़ता है, बिलीव दिवाना पड़ता है। ओके, तो आप लोग ये आप लोग का ऑफिशियल आप लोग का सिलेबस है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं हम लोग। देखो एक NIT की ओर से वैकेंसी निकल के है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर वाला वैकेंसी निकल के जो आई है, तो यहाँ पे मैं आप लोग को हर चीज़ बता देता हूँ। देखो वैकेंसी तो बहुत आई हुई है, लेकिन सबको बताना पॉसिबल नहीं, क्योंकि वीडियो ना कम से कम 1 घंटा का बन जाएगा, 8-10 विभाग में वैकेंसी आई हुई है। लेकिन माफ़ करना, मैं अभी देखो ये वीडियो आप लोग का बन गया है, 17-18 मिनट का वीडियो बन गया। अब देखो यहाँ पे NIT की जो वैकेंसी निकल के आई है, ठीक है, NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत ही बेहतरीन सुख सुविधा मिलता है यार, ठीक है, यहाँ पे ये एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का टोटली आती है। ऑनलाइन आप लोग का 19/7/2023 में आप लोग का फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ है, और आप लोग का क्लोजिंग आप लोग का 9/8 आप लोग का रहने वाला है। आवेदन पत्र को हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि, मतलब कि ये बताया गया कि आप लोग भेजोगे तो लास्ट डेट आप लोग का 14/8/2023 रहना। और यहाँ पर देखो आवेदन शुल्क, जब भी वैकेंसी यहाँ पर आउट होती है तो जो पोस्ट पे ITI वाला भरेगा वही पोस्ट पे 12th वाला भी भर सकता है, वही पोस्ट पे डिप्लोमा वाला भी भर सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन हाई लेवल का हो जाता है। मैं आप लोगों को सिलेबस भी दिखा दूँगा। देखो OBC आप में अगर आप हैं, UR से हैं तो 1000 रुपये आपको पे करना, SC ST PWD हैं तो आपको 500 रुपया, EW से हैं तो आप लोग को 500 रुपया पे करना ही करना होगा, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा इंग्लिश कर देता हूँ इसको। उसके बाद से देखो एज लिमिट आप लोग का 27 बताया गया यहाँ पे टेक्नीशियन वाले के लिए, अगर सीनियर टेक्नीशियन भरिएगा, सीट क्योंकि कम है सीनियर टेक्नीशियन में, तो आप लोग का 33 रहने वाला है लास्टली, ये UR के लिए है, अदरवाइज अगर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको छूट मिलेगा ही मिलेगा। सैलरी आप लोग देख लीजिए, Level 3 का मिलेगा अगर आप टेक्नीशियन में अगर अप्लाई कीजिएगा तो, और सीनियर टेक्नीशियन में अगर अप्लाई कीजिएगा सिलेक्शन हो जाता है तो आपका Level 4 का सैलरी मिलेगा, मतलब 25,500 आप लोग का बेसिक रहेगा, ध्यान देना। ओके, अब देखो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस, आप लोग का CBT एग्जाम होगा, यहाँ पर क्वालिफिकेशन मैं आप लोगों को यही समझाता हूँ, मैं वहाँ पर नोटिफिकेशन से दिखा दूँगा। सीनियर टेक्नीशियन के लिए आप लोगों को पता ही होगा, देखो सीनियर टेक्नीशियन के लिए 12th पास हो, 60% एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए, और मैं बताएगा सीनियर टेक अगर आप 10+2 हो, गवर्नमेंट ऑर्गनाइज बोर्ड विथ 50% पास हो, ITI की जो 1 साल वाला वो भी बंदा एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए। अगर आप कुछ नहीं किए हो, 10th पास हो, 2 साल का ITI किए हो, ठीक है, आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए, यहाँ पर साफ साफ ये बात लिखा गया है। यहाँ पर देखो 10th पास हो, ओके, 10th लिखा देखो कोर्स किया गया, ठीक है, 60% बोला गया, सर्टिफिकेट 1 ईयर ड्यूरेशन अप्रोड ट्रेड, उसके बाद से डिप्लोमा भी हो 3 ईयर का, आप एलिजिबल फॉर्म को भरने, पॉलिटेक्निक की हो किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आप एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए। उसके बाद से यहाँ पर सीट के बंटवारा कर दिया गया, देखो सीनियर टेक्नीशियन के लिए 10 है, टेक्नीशियन में 5 सीट है। ओके, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन मैं आप लोग को दिखा देता हूँ डाउनलोड करके, डाउनलोड करने में क्या था
चलो नोटिफिकेशन भी देख लो, देखो ये पूरा खुल गया। अब यहाँ पर देखो पूरा सीट के बटवारा आप लोग का, आप लोग को डायरेक्ट आ जाना है कहाँ पे, टेक्नीशियन और सीनियर टेक्नीशियन पे आ जाना है, ठीक है। ये देखो ये आप लोग का सीनियर टेक, यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट, ये उसके बाद से टेक्नीशियन आ गया आप लोग का, और सीनियर टेक्नीशियन आप लोग का ये है, ये वाला कॉलम 10 सीट, ठीक है। सीट का संख्या में बताया गया, आप लोग यहाँ देख लेना इसमें कितना है। टेक्नीशियन के लिए आओगे तो टेक्नीशियन वाला ये है, तो यहाँ पर देख लेना यू आर के लिए, या ओ बी सी के लिए नहीं है, ई डब्ल्यू सी के लिए 2 है, और एस सी के लिए नहीं है, यू आर के लिए 2 है। तो यहाँ पर देख लेना आप लोग, सीट की संख्या पूरा बताया गया आप लोग का। लार डेट आप लोग का यही है 19/7 से आप लोग का, और यहाँ पर आप लोग मतलब कि स्टार्टिंग है और क्लोजिंग आप लोग का 9/8/2023 रहने वाला है। इससे पहले अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म को जरूर ट्राई कीजिएगा, फॉर्म भी बहुत बेहतरीन मतलब कि है आई हुई है, और जब आप सेक्शन हो जाएगा तो आप लोग को अपर लेवल कहीं बोलिएगा भी ना तो अच्छा लगेगा कि एन आई टी में है यार जॉब कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट आप टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक पे मैं आप लोग को बोल दिया हूँ कि बात करने के लिए, लेकिन क्या बात करें बताइए। अभी तो विभाग तो बहुत सारा विभाग है, डाक विभाग में वैकेंसी आई हुई है, बहुत सारा विभाग में वैकेंसी आई हुई है, परमाणु ऊर्जा विभाग में वैकेंसी आई हुई है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है मैं टाइम मिलेगा तो मैं एक वीडियो बनाकर आप लोग को भी वो सब भी वीडियो में अपलोड कर दूँगा जो आप लोग का बच गया है, ठीक है। स्पेशल वीडियो में बनाकर डाल दूँगा भैया ये भी विभाग से वैकेंसी आप लोग के लिए आई हुई है, लेकिन अभी वैकेंसी ये सब डिपार्टमेंट से आई हुई है। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर हाँ चैनल पे अगर पहली बार विजिट करो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और हिट द बेल आइकन, और किसी ज़रूरतमंद को जरूर भेज देना ताकि उसको पता चल जाए कि भैया ये डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई हुई है। अगर आप चाहते हो तो फॉर्म को अप्लाई करो, सुख सुविधा बहुत अच्छा मिलेगा, सैलरी अच्छा खासा मिलेगा, सेंट्रल लेवल का भारत सरकार से वार्ड दिखा जब आएगा ना जवाइन लेटर आप लोग का, भारत सरकार ठीक है सेवार्थ, सेवार्थ से लिखा रहता है। अगर आपको इसमें काम करने का मन है ना तो आंख बंद करके पढ़ो और इसमें जाके एग्ज़ाम दो, आप लोग का सिलेक्शन ज़रूर होगा सीधा से पढ़ोगे तो, ठीक है। और हाँ कोई भी कमेंट अगर कोई चीज़ की जानकारी नहीं है अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा आप लोग को बताने का। इस चैनल पे आप लोग को ऑथेंटिक हर चीज़ बताया जाता है, कोई चीज़ फेक नहीं बताया जाता है, जेन्युइन तरीके से हर चीज़ एक्सप्लेन किया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है। क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और बिहारी आपको पता ही है कि एकदम जमीनी से जम स्तर से जुड़ा होता है हर चीज़, आप लोग को एकदम जमीनी स्तर से मैं आप लोग बताता हूँ। देखो बहुत सारे बोलने में भी हमें दिक्कत हो रहा है, लेकिन मैं एडिटिंग नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इतना देर का वीडियो बना, कहाँ कहाँ गलती हुआ क्या हुआ अब उतना मेरे पास टाइम नहीं है, आप लोग मैनेज कर लेना। और क्षमा प्रार्थी भी हूँ मैं आप लोग से, क्योंकि मिस यूज हुआ होगा वर्ड इधर उधर, तो आप लोग माफ़ कर देना, ठीक है। और हाँ आपको कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए जिस विभाग में आप जाना चाहते हो, या कोई आपका मतलब कोई दिक्कत है आपको मन में, तो आप मैसेज करना। और हाँ आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, सब चीज़ बताना ताकि हमें पता चले कि भाई तुम्हारे पास ये चीज़ डिग्री है और आपको ये डिपार्टमेंट में जाना है, तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, आप लोग को अपडेट दे दूँगा, आप लोग को अपलोड भी कर दूँगा मैं वीडियो यूट्यूब पे, आप लोग देख लेना, ओके। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करते हैं अगला सेशन में, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो, अपने माँ बाप का रोशन करो, तरक्की करो, निरंतर प्रयास करते रहो। जय बिहार।